दोस्तों, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भारत को एक पिछड़ा हुआ देश मानते चले आए हैं। आज़ादी के बाद भारत में टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी थी, तो वो अमेरिका और कुछ यूरोपियन देशों को साधने में लगा रहता था। मगर अमेरिका ने कभी भी भारत के साथ कोई टेक्नोलॉजी डील साझा नहीं करी, या वो उससे कतराता रहा। तब भारत को ये एहसास हुआ कि वो अपने वैज्ञानिकों के दम पर ही अपनी सेना को शक्तिशाली व देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ा सकता है। तो मेक इन इंडिया और उसके बाद स्टार्टअप प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। आज भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जिसे देखकर अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारत की एक डिफेंस कंपनी ने एक ऐसे इंजन का निर्माण कर दिया है जिसको आज तक दुनिया का कोई भी देश, जो कि अपने आप को शक्तिशाली या धनवान मानता हो, इसको बनाना दूर, इसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन जैसे ही भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, दुनिया की आंखें खुली रह गई। दरअसल दोस्तों, ये कारनामा भारत ने रॉकेट इंजन के क्षेत्र में किया है। इसी नई खोज के चलते भारत दुनिया में राज कर सकता है। इस इंजन को बनाने वाली कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ये भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और जिस इंजन ने कीर्तिमान रचा है, इस इंजन का नाम है अग्निलेट। इसका उपयोग रॉकेट में किया जाएगा। इस इंजन की खासियत ये है कि ये काफ़ी सस्ते में और काफ़ी कम मैन पावर में तैयार होता है। दरअसल इस कंपनी जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, उसने रॉकेट इंजन के सिंगल पीस को 3D प्रिंटिंग की मदद से तैयार किया है। दुनिया में अभी तक चाहे छोटा इंजन हो या बहुत भारी भरकम इंजन, उसमें सैकड़ों पार्ट्स होते हैं। मतलब उस इंजन को बनाने में उन छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है। मगर भारत के द्वारा बनाए गए अग्निलेट इंजन में केवल एक ही हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। दोस्तों, आज तक किसी भी देश या उसकी कोई भी कंपनी ने इस पर किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया, मगर भारत की इस कंपनी ने इस इंजन को तैयार किया है, जो कि सिर्फ एक टुकड़े के रूप में रॉकेट इंजन को डिजाइन किया है। वहीं अब भारत 3D प्रिंटिंग की मदद से स्पेस में महारत हासिल करने वाला है। अब तक इसके 3 टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं। पिछले साल नवंबर के महीने में जब अग्निलेट का परीक्षण किया गया, तो इसे अग्निबाण व्हीकल में इनबिल्ट किया गया था। अग्निलेट इंजन की मदद से अग्निबाण 100 से 300 किलोग्राम्स के पेलोड्स को लेकर 700 किलोमीटर तक उड़ने में कामयाब रहा है। यानी कि ये इंजन लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो भी चाहे इसे इस इंजन का उपयोग अपने रॉकेट में कर सकता है। लेकिन अभी नेविगेशन और कम्युनिकेशन कार्यों के लिए अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए इस इंजन की हाई एल्टीट्यूड की रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन कार्यों के लिए जिन सैटेलाइट्स के अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, उनको 10,000 से लेकर 36,000 किलोमीटर के बीच स्थापित करना होता है। ये अग्निकुल कॉस्मोस का ये तो अभी शुरुआती परीक्षण है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। इसलिए आने वाले समय में इसकी हाई एल्टीट्यूड रेंज को काफ़ी आसानी से बढ़ाया जा सके। वहीं इस 3D प्रिंटिंग लेट इंजन की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो ये है कि इसको बनाने में ज़्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है। वहीं अब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे निकल गया है कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के लिए कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये इतिहास रच दिया है, दुनिया के सभी देशों के होश उड़ गए हैं। साथ ही आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।